ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं, रेसिस और रेसीज, इनकी साउंड ठीक करना आप। देखो डबल एस हम कहां पर लगाएंगे, जो वर्ड है रेसिस, इसमें क्या हो रहा है, एस और एस का जो साउंड है ये बिल्कुल ही पास पास सुनाई दे रहा है, थोड़ा इकट्ठा सुनाई दे रहा है, इसीलिए इस वर्ड में डबल एस का लूप हम अप्लाई करेंगे, अपर आर एस एस का लूप, रे सिज, ठीक ठीक है, रे सिज, यहां पे सिज का जो साउंड आ रहा है एस और एस, थोड़ा इकट्ठा आसपास सुनाई दे रहा है। अब दूसरा वर्ड है रेसीज, देखो रेसीज में इधर भी एस और एस आ रहा है लेकिन बीच में एक लॉन्ग ड्यूरेशन का वॉवल है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी लॉन्ग ड्यूरेशन का वॉवल होता है ना दो एस के बीच में, तब हम डबल एस का लूप अप्लाई नहीं करते, ठीक ठीक है, है। हाँ रेसिस हमने डबल एस के लूप से लिखा, रेसीज हम लिखेंगे अपवर्ड आर एस का स्लोप होने वाले पर, ठीक ये फर्क है, ठीक है, हाँ ठीक इस बात को ध्यान में रखना। और कोई डाउट एस डब्ल्यू डबल एस एस टी आर लूप में? अभी तक तो नहीं, तो देखेंगे आगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करना है, वर्ड्स सारे बनाना, डिटेशंस भी बनाते रहना। जैसे मैंने अभी तक, आपने मेरे को वर्ड्स भेजे नहीं इन एक्सरसाइजेस के, करके रखे तो बेले नहीं करके रखे हैं। एस डब्ल्यू और डबल एस के मैंने देखे हुए हैं, तभी ये मेरे को ख्याल आया ना कि आपको बता दूं, आप मेरे को एस टी आर के भेज दो। STST और STST, 36 एक्सरसाइज, ये हाँ मैंने बना के रखी, आप दोबारा बनाओ या वैसे ही दो। देखो मर्जी आपकी, अगर आपको लगता है कि थोड़ा आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आप दोबारा बनाना चाहें आप भेज सकते हो दूसरा इम्प्रूव वर्जन, या जो पुराना बनाया है वही भेज दो, कुछ करेक्शन होगी यहाँ पर ही समझा दूंगा मैं। ठीक है, मैं भेजूंगा पहले पुराना ही, फिर आप बताना करेक्शन कहाँ है। तो